हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग आज हम एक प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं जिनमें हमने टेन क्वेश्चंस रखे हैं और ये सारे ही क्वेश्चंस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर से हैं आइए नहीं समझते हैं चूज द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स में वर्ब्स के कुछ ऑप्शन रखे गए हैं इनमें से आपको सुटेबल फॉर्म वर्ब के चुनकर ब्लैंक में लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इसलिए हम इस चैप्टर को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर कहते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन ऑफ़ द मेनी बुक्स डैश फाउंड old options is R. second question he and his sister dash to meet me options come comes number third i along with my companions dash visiting the farm tomorrow options is am are number fourth there dash many stuff in the company to assist the project. to assist the project. options. was. were. question number 5th. the teacher as well as the students. dash. the conference. options. attend. attends. number 6th. they often. dash. my office and home. options. visit. visits. number 7th. the horse and carriage dash awaiting at the door options was were number eight mathematics dash Williams favorite subject options is are question number nine measles dash a disease options is are question number last tenth here dash the books that give us a rich ज ऑप्शन इज आर इनके हम आंसर्स जानने की कोशिश करते हैं और इनके पीछे के सारे लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं ये हमने बना रखे हैं आपकी सहूलियत के लिए क्वेश्चन नंबर वन की लॉजिक और इसके आंसर्स देखते हैं वन ऑफ द मेनी बुक्स डैश इज फाउंड ओल्ड डैश में हमने इज रखा क्यों वन एक प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन सिंगुलर है उसके बाद ऑफ लिखा है जो कि एक प्रपजिशन है उसके बाद एक फ्रेज़ है द मिनी बुक्स इस फ्रेज़ में हमने नाउन बुक्स रखा है जो कि प्लूरल है तो एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा बुक्स नहीं है हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट वन है वन एक प्रोनाउन है और सिंगुलर है तो वन के मुताबिक ही व होगा और हम ऑप्शंस को देखें तो इज़ आर ऑप्शंस हमारे पास सिंगुलर है तो वन के साथ सिंगुलर वर्ब इज करेक्ट होगा सो द करेक्ट सेंटेंस इज वन ऑफ द मेनी बुक्स इज फाउंड ओल्ड किताबें कई हैं लेकिन उनमें से एक किताब पुरानी पाई गई तो एक के मुताबिक हम बात करेंगे जो कि सिंगुलर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ही एंड हिज सिस्टर डैश टू मीट मी कम कम्स आप गौर करें एंड एक कंजंक्शन है इससे पहले हमने ही एक प्रोनाउन लिखा है जो कि सिंगुलर है और एंड के बाद हिज सिस्टर जो एक नाउन फ्रेज है इसमें हमने सिस्टर जैसा नाउन लिखा है जो कि सिंगुलर है तो एंड जैसे कंजंक्शन से दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जुड़े हैं और दोनों का रेफरेंस किन्हीं दो चीज़ों को जाता है दो डिफरेंट आइडियाज़ को जाता है जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों और दोनों का रेफरेंस दो अलग अलग आइडियाज़ को जाते हों तो सब्जेक्ट प्लूरल समझे जाते हैं इसलिए ही एंड हिज सिस्टर यहाँ तक के जो सब्जेक्ट हैं इन्हें हम प्लूरल कंसिडर करेंगे इनके मुताबिक हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे और वी वन प्लूरल होते हैं इसलिए हम कम चुन रहे हैं क्योंकि कम वी वन है और वी वन प्लूरल होता है सो ही एंड हिज सिस्टर कम टू मीट मी कम्स टू मीट मी रॉन्ग नंबर थर्ड आई Along with my companions, डैश विजिटिंग द फार्म टमॉरो अलॉन्ग विथ भी एक कंजंक्शन है इससे पहले हमने आई एक सिंगुलर प्रोनाउन लिखा है Along with के बाद हम एक my companions लिख रहे है जो एक नाउन फ्रेज है इसमें companions वर्ड नाउन है जो कि प्लूरल है फिर उसी तरह से companions, जो कि एक प्लूरल नाउन है लेकिन ये एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है हमारा आई एक्चुअल सब्जेक्ट है अलॉग विथ एज़ वेल एज़ टुगेदर विथ इन सारे कंजंक्शन से जब दो नाउन्स या प्रो नाउंस जुड़ें तो इनके पहले इन सारे कंजंक्शनस के पहले जो नाउन या प्रो नाउन जुड़ते हैं वो अगर सिंगुलर हैं तो वह अब सिंगुलर आएगा वो अगर प्लूरल हैं तो वह प्लूरल आएगा हमारे पास अलॉन्ग विथ से पहले आई प्रो नाउन है ये सिंगुलर है इसके मुताबिक हम सिंगुलर वर्ब चुनेंगे जो हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं इज़ एम आर तो आई के साथ एम यूज़ होता है एम चुनेंगे सो आई अलॉन्ग विद माई कम्पैनियंस आई एम विजिटिंग द फॉर्म टूमारो नंबर फोर्थ देयर डैश मेनी स्टाफ इन द कंपनी टू असिस्ट द प्रोजेक्ट वॉज वर देयर एक डमी सब्जेक्ट कहलाता है क्योंकि देयर एक फॉल्स सब्जेक्ट है डमी मीन्स फॉल्स देयर कोई भी रोल नहीं निभाता है वर्ब के नंबर को डिसाइड करने में तो वर्ब के बाद जो आने वाले कॉम्प्लीमेंट हैं उन कॉम्प्लीमेंट्स के मुताबिक हम वर्ब लगाते हैं देखें हम यहाँ मैनी स्टाफ लिखा है मैनी स्टाफ प्लूरल का आइडिया दे रहा है क्योंकि मैनी के बाद स्टाफ लिखा है स्टाफ वर्ड एक नाउन है जो कि प्लूरल है और ये एक कॉम्प्लीमेंट है तो इस्टाफ प्लूरल नाउन के मुताबिक ही हम वर्ब लगाएँगे यहाँ कॉम्प्लीमेंट के मुताबिक अग्रीमेंट होता है ना कि हमारा डमी सब्जेक्ट देर के मुताबिक ऑप्शन हमारे पास वॉज वर हैं वर प्लूरल हैं स्टाफ भी प्लूरल है इसलिए हमारा ऑप्शन होगा वर देर वर मैनी स्टाफ इन द कंपनी टू असिस्ट द प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स डैश द कॉन्फ्रेंस एज़ वेल एज़ एक कंजंक्शन है इससे पहले द टीचर एक सिंगुलर नाउन है एज़ वेल एज के बाद द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन यूज है स्टूडेंट्स हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है हमने भी जस्ट बात की थी कि एज वेल एज टुगेदर विथ विथ अलॉन्ग विथ ऐसे कोई भी कंजंक्शंस आए तो इनसे पहले जो भी नाउन यूज होंगे अगर वो सिंगुलर हैं तो वह अब सिंगुलर आएंगे अगर वो, है, तो वो प्लूरल हैं तो वह प्लूरल, है, तो प्लूरल आएंगे एज वेल एज से पहले द टीचर ये नाउन सिंगुलर है इसी के मुताबिक वर्ब आगे सिंगुलर आएगा और अटेंड वी वन है वी वन टूरल होता है अटेंड्स वी फाइव है वी वाई वी फाइव सिंगुलर होता है द टीचर सिंगुलर है तो द टीचर के साथ अटेंड्स होगा वी फाइव सिंगुलर आंसर हमारा द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस आप कन्फ्यूज ना हो स्टूडेंट्स को देखकर स्टूडेंट्स लगेगा आपको कि प्लूरल सब्जेक्ट है इसी के मुताबिक वर्ब होना चाहिए लेकिन रॉन्ग एक्चुअली द टीचर अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस टीचर अटेंड करेंगे कॉन्फ्रेंस को भले उनके साथ स्टूडेंट्स होंगे ये बात अलग है लेकिन ओरिजिनली कॉन्फ्रेंस को अटेंड कौन कर रहे हैं टीचर उनके साथ साथ भले ही बच्चे आ गए उनके साथ साथ भले ही स्टूडेंट्स आ गए हैं ऐसे हमें समझना है इस कहानी को याद रखेंगे तो बातें बन जाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स दे ऑफन डैश माई ऑफिस एंड होम विजिट विजिट्स विजिट वी वन है प्लूरल है विजिट्स वी फाइव है सिंगुलर है दे हमारा सब्जेक्ट है और दे एक प्रोनाउन है प्लूरल प्रोनाउन है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है दे ऑफन विजिट विजिट वी वन प्लूरल दे भी हमारा प्रोनाउन प्लूरल इसलिए आंसर दे ऑफन विजिट माई ऑफिस एंड होम करेक्ट है अब क्वेश्चन नंबर सेवन द हॉर्स एट वर प्लूरल हमने क्यों जबकि एंड से जुड़े हुए दो हैं हमारे पास एंड एक कंजंक्शन है इससे पहले हॉर्स लिखा है जो सिंगुलर नाउन है एंड के बाद कैरिज लिखा है जो कि भी अगेन एक सिंगलर नाउन है लेकिन हॉर्स एंड कैरिज कहने से घोड़ा हॉर्स मीन्स घोड़ा और कैरिज मीन्स गाड़ी दो अलग अलग समझ हमें नहीं आती है बल्कि हॉर्स एंड कैरिज कहने से घोड़ा गाड़ी की समझ आती है और घोड़ा गाड़ी कोई एक ही चीज़ है यानी दो नाउन दो सिंगुलर नाउन्स जब एंड से जुड़े हों और एक ही आइडिया को रेफर करते हों दोनों मिलकर तो उन दोनों ही नाउन्स को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं यानी किसी चीज़ या किसी इंसान के कंपाउंड नेम को जब हम रेफर कर रहे हों तो उस कंपाउंड नाउन को हम सिंगलर समझते हैं या हॉर्स एंड कैरिज से एक ही घोड़ा गाड़ी को रेफरेंस जा रहा है इसलिए हॉर्स एंड कैरिज दोनों ही मिलकर हमें सिंगुलर आइडिया देंगे इसलिए हम इन्हें सिंगलर सब्जेक्ट समझेंगे इसलिए आगे सिंगलर वब होगा द हॉर्स एंड कैरिज वॉज अ वेटिंग एट द डोर करेक्ट अब नंबर एट मैथमेटिक्स इज़ विलियम्स फेवरेट सब्जेक्ट आर नहीं कहेंगे अब गौर करें मैथमेटिक्स के अंत में एस लिखा है एस से हमें मालूम होता है कि नाउन प्लूरल होना चाहिए क्योंकि जनरली हम जब एस देखते हैं नाउन के अंत में तो हमें लगता है कि नाउन प्लूरल है लाइक बुक बुक्स बुक्स प्लूरल चेयर चेयर्स चेयर्स प्लूरल तो इस इस तरह के नाउन को हम कहते हैं एस एंडिंग सिंगुलर नाउन कि एस पर तो लास्ट कर रहे हैं ये नाउन दिखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर होते हैं मैथमेटिक्स एक सिंगुलर नाउन है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का एक ही नाम है दूसरी बात इसे हम कहते हैं प्लूरल इन लुकिंग बट सिंगुलर इन फंक्शन दिखने में प्लूरल लेकिन फंक्शन में इस्तेमाल में यूसेज में सिंगुलर या ऐसा कहें देर आर सम नाउन्स दैट आर प्लूरल इन लुकिंग बट सिंगुलर इन फंक्शन आप जिस भी तरह से समझें सारी बातें सही हैं नीचे मेजल्स वर्ड लिखा है ये भी एक सिंगुलर नाउन है क्योंकि यह भी एस पर लास्ट करने वाला नाउन है लेकिन एक ही बीमारी को रेफर करता है एक ही बीमारी का एक ही नाम है सीधी सी बात है नाउन सिंगुलर हुआ सो so, मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट का नाम है तो सिंगुलर हुआ भले ही दिखने में प्लूरल लगता है आगे बात करेंगे मैथमेटिक्स इज विलियम्स फेवरेट सब्जेक्ट आर ना लिखें क्योंकि मैथमेटिक्स देख आप कन्फ्यूज होंगे आपको कंफ्यूजन में डाला जाएगा कि आप आर लिखें बट प्लीज़ डू नॉट बी टेम्पटेड टू राइट आर हियर इज इज़ करेक्ट Measles एक ही बीमारी का नाम है सिंगुलर है इसलिए मीजल्स इज अ डिजीज मीजल्स आर अ डिजीज रॉन्ग क्वेश्चन नंबर लास्ट टेंथ the डैश द बुक्स दैट गिव रिच नॉलेज इज आर Here देयर वेयर विच वॉट ये सारे वर्ड्स जब भी आ जाएं तो आप समझ जाएं कि ये सारे ही वर्ड्स डमी सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं मीन्स फॉल्स सब्जेक्ट की तरह हमने ऊपर के एग्ज़ाम्पल में देयर देखा था और अभी हम हीयर का एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं केस सेम है हीयर भी कोई रोल प्ले नहीं करता है वर्ब के नंबर को डिसाइड करने में यानी हेयर देयर वेयर इनके केसेस में तो जो भी कॉम्प्लीमेंट होंगे उन कॉम्प्लीमेंट के मुताबिक हम वर्ब लिखेंगे हमारा कॉम्प्लीमेंट द बुक्स है जिसमें कि बुक्स प्लुरल नॉन लिखा गया है यहाँ कई किताबें हैं जो हमें अच्छी जानकारी देते हैं अच्छा ज्ञान देती हैं ये मीनिंग है तो बुक्स प्लूरल इसके मुताबिक हम आर लगाएंगे हेयर के मुताबिक आर नहीं लगाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हियर इज़ अ बुक लेकिन हम कहेंगे हेयर आर टू बुक्स हेयर इज़ अ बुक हेयर आर बुक्स हियर इज़ अ फ्लावर हेयर आर फ्लावर्स आप समझ चुके होंगे सो so, डमी सब्जेक्ट के केस में डमी सब्जेक्ट वर्ब नहीं डिसाइड करता बल्कि उनके साथ आने वाले कॉम्प्लीमेंट्स वर्ब के नंबर डिसाइड करते हैं थैंक यू सो मच आज यहाँ तक नेक्स्ट डे फिर मुलाकात होगी फिर बात होगी थैंक यू सो मच